स्पेशली जब गेस्ट आते हैं ना, तो मन करता है एकदम रेस्टोरेंट जैसा मटर पनीर बने। आज मैं आपको मटर पनीर की ऐसी रेसिपी दिखा रहा हूँ जो कि आज से पहले शायद ही आपने खाई हो। और इस रेसिपी में फ्रेंड्स वही इंग्रेडिएंट्स हैं, वही सामान है, लेकिन कुछ ऐसी बातें करी हैं जिससे मटर पनीर का फ्लेवर, टेक्सचर और खुशबू तीनों ही अलग आए। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, गर्म गर्म पानी लेना है एक बाउल में, और उसके बाद उस बाउल में हमने थोड़ा सा हींग डाल देना है। और हींग डालने के साथ ही हमने इसमें यहाँ पर आधा चम्मच काला नमक डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसे हम साइड में रख देंगे, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद हमने एक पैन में बटर ले लेने हैं, यहाँ पर हमने 4 क्यूब बटर के ले लिए हैं, और उसी के साथ हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है ताकि जो हमारा बटर है वो जले ना, और जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद हमने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर डाल दिया है। इसके थोड़ा सा हमने बड़े बड़े क्यूब्स करे हैं, और आपने फ्लेम को फुल रखना है और इसमें हल्का सा कलर आने तक आपने इसे इस तरीके से फ्राई करते रहना है। ये देखिए, आपने इसे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा कलर नहीं लाना है। तो देखिए हल्का हल्का कलर आ चुका है, बस इतना ही कलर लाना है हमने, और उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद हमने इसको, जो हमने पानी फ्रेंड्स एक बाउल में रखा हुआ था उसी बाउल में हमने ये पनीर डाल देना है। ये देखिए इस तरीके से ये डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और उसके बाद हमने एक दालचीनी लेनी है, दालचीनी को हमने गैस में अच्छे से जला लेना है पूरा। और इसको जलाने के बाद हमने ऊपर से एक कटोरी रखनी है और इसमें ये डालना है दालचीनी, और इसमें हल्का सा तेल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद आपने इसमें ढक्कन लगा कर रख देना है। ये देखिए इससे इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छे से घुस जाएगा जो हमारे पनीर है। और जब ये हो जाए उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है, 5 मिनट तक आपने इसे रखना है, और इसे फिर से आपने ढककर अलग से रख देना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने उसी पैन में यहाँ पर थोड़े से लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको हमने इसमें हल्का सा फ्राई करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर कटे हुए प्याज लिए हैं, कटे हुए प्याजों को भी हमने सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करते रहना है। यहाँ पर हमने 2 मिर्च ले ली थी, ये देखिए इसको आपने इस तरीके चलाते रहना है और 2-3 मिनट में ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ धनिए के जो पीछे के डंठल होते हैं वो ले लिए हैं, इसको भी आप डालना ना भूलें, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया, एकदम से सॉफ्ट हो गया हमारे जो प्याज है। उसके बाद हम यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के जो हमने टमाटर लिए हैं उनको हमने रफली काट लिया है, और इसके ऊपर से हम नमक डाल देंगे। नमक डालना बहुत ज़रूरी है तभी जो कि हमारे टमाटर अच्छे से गल पाएंगे, क्योंकि हम इसमें काजू मगज कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। हम टमाटर और प्याज से ही इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसको आपने अच्छी तरीके से एक बार मिला लेना है और आपने 5 मिनट तक इसको ढककर रख देना है ताकि जो हमारे प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ढककर रख दिया है, तो ये देखिए इसे 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और हमारे प्याज मिर्च सब चीज़ सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। आपने गरम गरम इसे नहीं पीसना है, नहीं तो जो मिक्सी का ढक्कन है, अगर आप गरम गरम इसे डालेंगे तो मिक्सी का ढक्कन ऊपर को आ सकता है, तो जल्दीबाजी ना करें, इसे अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद आपने इसे मिक्सी में डालना है और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। तो ये सारा हमने इसमें डाल लिया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइन पेस्ट एकदम तैयार है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना फाइन बना हुआ है और कलर कितना अच्छा हुआ है फ्रेंड्स इसका। उसके बाद हमने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में ऑयल डालना है, यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रखा है। और उसके बाद कुछ खड़े मसाले डाल देंगे इसमें, जैसे जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सब चीज़ डाल देंगे। इसको हल्का सा चटकने देंगे, जब ये अच्छे से चटक जाए उसके बाद आपने यहाँ पर थोड़े से मसाले डालने हैं, ड्राई मसाले। इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी डाल रखी है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और इसे आपने 20 से 30 सेकंड के लिए इसी तरीके से तेल में चला लेना है, और जब इसे 20 से 30 सेकंड हो जाए भुनते हुए तो आपने इसमें जो हमने ग्रेवी तैयार कर रखी थी वो ग्रेवी आपने इसमें डाल देनी है। ये देखिए आपने मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है तेल के, हाँ नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिला लेना है। और फ्रेंड्स ध्यान रहे, यहाँ पर हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं कर रखा है,
तो आप पानी का यूज़ शुरू में ना करें, नहीं तो ये सब्ज़ी अच्छी बन नहीं पाएगी। ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरीके से मिला लेना है, जब तक मसाले हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिल ना जाए तब तक आपने इसे चलाते रहना है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से ग्रेवी में मिल चुके हैं। उसके बाद आपने इसे 10 मिनट तक ढककर रख देना है ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाए, और 5 मिनट बाद आपने इसे एक बार चेक करना है। तो देखिए, इसमें हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, और एक बार आपने 5 मिनट बाद इसे हिला देना है। उसके बाद आपने फिर 5 मिनट के लिए इसे ढककर रख देना है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी ग्रेवी है वो एकदम से अच्छी तरीके से बन चुकी है। ये देखिए, एकदम से अच्छा कलर छोड़ दिया है और मसालों का कलर भी बहुत अच्छा रखा है इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने दही लेना है एक कटोरी में, थोड़ा सा, 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच, उसमें 1/2 चम्मच आपने गर्म मसाला डालना है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने ये दही इसमें डाल देना है और जल्दी जल्दी आपने इसे मिलाना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है दही फट जाता है, तो आपने इसे जल्दी जल्दी मिला देना है। और जब एक बार दही मिल जाए उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच मलाई डालनी है। यहाँ पर हमारी घर की मलाई है जो दूध में लग जाती है ऊपर से, तो ये मलाई आपने 2 चम्मच इसमें डाल देनी है। आप यहाँ पर क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं और इसको भी आपने अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी का कलर कितना अच्छा हो चुका है। उसके बाद आपने 2 मिनट तक इसे ढककर रख देना है, ज़्यादा नहीं पकाना आपने इसे। तो यहाँ पर इसे 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी हमारी एकदम तैयार है। उसके बाद हम इसमें मटर डाल देंगे। जो ये मटर लिए हैं फ्रेंड्स हमने, ये हमारे फ्रेश मटर है, इसको हमने छिल के फ्रीजर में रख दिया था। और जब आप इसे फ्रीजर से निकालें तो गर्म पानी में ही इसे डाल के रखें, उसके बाद आप इसे सब्ज़ी में डालें। और उसके बाद हमने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि हमने जो मटर है हमारे ये पके हुए नहीं है, इनको हमने मटरों को भी पकाना है। तो आपने 1 कप पानी डालना है इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसे ढककर 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख देना है ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे मटर है एकदम से सॉफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। उसके बाद आपने इसमें पनीर डाल देना है। पनीर का पानी हमने ड्रेन कर लिया था, ये देखिए, और पनीर भी हमारा एकदम सॉफ्ट है और इसको अच्छी तरीके से आपने मिला देना है। और जब ये अच्छे से मिल जाए तो उसके बाद आपने इसमें ऊपर से कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया था तवे में, और ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, और लास्ट में फ्रेंड्स एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, केवड़ा जल। इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक बार इस तरीके से आप मटर पनीर बना के देखें, आप इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। और इसको एक बार अच्छे तरीके से मिला लेना है, और अच्छे से मिलाने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि जो केवड़ा जल का फ्लेवर है वो पूरे पनीर में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर हमने इसे ढककर रख दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मटर पनीर की सब्ज़ी है रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे राइस के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, लच्छा पराठा, नान के साथ, किसी के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। रेसिपी पसंद आई हो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।